संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्मा ने रचित किया। अरे लख 84 और नंबरी और कोई पुरुष और नारी है, हाथी ऊंट गधा घोड़ा और खच्चर यत बलकारी है, गैया बैल भैंसी और बकरी स्वान मिलाई भारी है, चूहे और चकचू गर नौरा बिच्छू सर्प अपारी है, मक्खी मच्छर और ततैया घुन भी आए नारी है, दीमक घुन और पपई में मचे चींटी बेसुम मारी है, हिरनी और खरगोश भेड़िया मेंढक मछली न्यारी है। जीव जंतु और इनके साथ साथ और भी कुछ बनाया, तो कहा सुखदेव ने सुनो बेटा, चेतन जीव सुनाए दे मैंने, जड़ जीवो के नाम सुनोए, और बरगदनी महीसी और जमुना पीपर भैया आम सुनोए, और ताल नारियल सिरसु मुखैया पिलखुन के पैगाम सुनो, अनियर कबिहर कठियर बरगद पिस्ता और बादाम सुनोए, और आलू गोभी गाजर मूरी सकल गंद सर नाम सुनोए, और बैंगन भिंडी और तुरई सीतापल के नाम सुनोए, और नींबू और अमरूद ये देखो केलन के घन गाम सुनो, सुखदेव बोले सुनो बेटा, गेहूं मटर दुआ दो सरसों अलसी चना बनाए, उड़द मसूर बाजरा रमसा खुरदी मूंग सबाए, समाधान सन मक्का कमनी भेचुआ ज्वार बताए, मूंगफली तिल ईक अरेरा बथुआ मन को भाए, घासी कौआ और सिलमिली कनखुआ दरसाए, भूसा गोभी गुंड घोंघरू गेंदा बेलिए छाए, पर्वती और तालाब नवीन सागर गंग बहाए, तस्वीरी और गुल मेहंदी और गुल खेरा दर्शाए, अंगूरी अनारी और संतरा सबने खायो है, अरे ब्रह्मा ने भैया जगत भरी और कौन गिन सके नाम सुनो अपनी बुद्धि।
इसे तुम्हें सुनाए दे थोड़े से मेरे मान सुनो मैं तो खास गुरु का चेला ब्रह्म शर्मा ये नाम सुनो और गाँव बरोर लगे हमारो थाना रजपुरा खास सुनो तहसील किन्नर लगे हमारी हरि बाबा को धाम सुनो और पहले तो मेरे जिला बनाई हूँ अब तो संबल खास सुनो महाराज परीक्षित ने कहा धन्य है गुरुदेव चुन चुन करके ब्रह्मा जी ने संसार को रचा एकदम कहा मेरा एक छोटा सा प्रश्न और है प्रश्न वह है कि देवहूति का विवाह कर्दम्ब से कैसे हुआ कर्दम्ब ऋषि महाराज ने 10,000 वर्ष तप किया अब आप सोच रहे होंगे कि 10,000 वर्ष तप तो उम्र कितनी थी इंसान 1,00,000 वर्ष का होता था सतयुग में उस 1,00,000 वर्ष की उम्र में सतयुग में इंसान जब होता था 500 वर्ष गर्भ में रहते थे 27 हाथ की लंबाई 3 में और कम हुआ द्वापर में और कम हुआ और कलयुग में 120 वर्ष पर आ गया 10,000 वर्ष तप हुआ और 10,000 वर्ष तपस्या के बाद भगवान श्री हरि विष्णु पधारे और भगवान श्री हरि जब पधारे हैं तो भगवान श्री हरि ने कहा मांग लीजिए क्या मांगना चाहते हो भगवान श्री हरि ने कहा मांगो क्या मांगना चाहते हो तो कर्दम्ब जी ने दोनों हाथ जोड़े बोले हमें कुछ नहीं चाहिए अगर देना ही चाहते हो तो बस हमारा विवाह हो जाए हमें एक सुंदर घरवाली दुल्हन मिल जाए तो भगवान श्री हरि नारायण रोने लगे और जब प्रभु रोने लगे हैं तो उसी समय भगवान से पूछा कर्दम्ब ने आप रोए क्यों मेरे वरदान से आपको कोई कष्ट हुआ मेरे वरदान से आपको कोई कष्ट हुआ कोई दुख हुआ आप रो रहे बताया जाता है जब भगवान का आंसू गिरा वहां आज भी कनखल में विष्णु सागर बना हुआ है भगवान ने कहा भैया रोने का एक ही कारण है तुमने कुछ मांगा नहीं धन मांगा न दौलत मांगी कुछ नहीं मांगा कोई अच्छी चीज मांगते तो दोनों हाथ जोड़े फिर कहा अगर मैं एक चीज और मांगू तो दे दोगे बोले मांगो विवाह हो जाएगा भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं तुम्हारा देवहूति से विवाह होगा बोले ठीक है देवहूति से विवाह होगा लेकिन एक बात और बताओ हमें तुम हमारे बेटा बन के आ जाना श्री हरि नारायण बोले ये क्या मांगा तुमने बोले बिल्कुल विवाह होगा देवहूति से बेटा बन के जब तुम आओगे तो मेरा कल्याण भी करोगे भगवान ने कहा ठीक है हम तुम्हारे बेटा बन के जरूर आएंगे जब ये कहा कि हम बेटा बन के जरूर आएंगे
जब चले तो करदम्ब ने एक बात और कही, महाराज ये और बताते जाओ विवाह है कितने दिन में जाएगा। तो भगवान नारायण ने कहा भैया कुछ ही समय बाद तुम्हारी इस कुटिया पर स्वयं पधारेंगे आकर के, स्वयं मनु जी। और स्वयं मनु ने देखा हमारे तीसरे नंबर की जो बिटिया देवहूति बड़ी योग्य है, परम ज्ञानी है, इसका हमें विवाह करना चाहिए, विवाह के योग्य है, इसने वरदान भी ले लिया, अब रथ में बिठाया वर ढूंढने के लिए चले। और महात्मा ने जब घंटा की घनघोर सुनी रथ की, और उचक उचक के खड़े देखे, तपस्या भी भूल गए। उनके स्वागत में फूल लेके खड़े महाराज, और करदम्ब ने बड़ा स्वागत किया, और स्वागत के साथ रथ से नीचे उतरे, उससे पहले तीन बिछौने फूल के बिछा रखे। आदेश किया आप तीनों बैठ जाओ, मेरा आदेश। देवहूति ने सोचा पति का बिछाया हुआ बिछौना, अगर मैं बैठ गई तो मेरा पतिव्रत धर्म